सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा जब आया जब मैं नरेंद्र भाई मोदी को मिला, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के. मैंने उस टाइम भी भगवान से दुआ करी कि ये प्राइम मिनिस्टर हो जाए तो हमारी कंट्री का सुधार हो जाए, और वो ही हो रहा है. आप अगर रिलीजियस टूरिज्म कर रहे हो तो आपको उस रिलीजन के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए. और स्कोप इतना है, अब देखिए अयोध्या कितने NRIs आएंगे, करोड़ों रुपए का बिजनेस होगा, राइट? तो पर आपको रामायण के बारे में और रामायण सर्किट के बारे में, तो वो तो आपको खुद ही पता करना पड़ेगा. शाहरुख खान कहता है ना, किसी भी चीज़ को पाने की शिद्दत है तो पूरी कायनात लग जाएगी आपको. तो इसलिए आपको कोई लड़की पसंद है तो उस पर फोकस करो, सारी लड़कियों के पर मत फोकस करो. और अगर आपको कोई लड़का पसंद है तो उस पर फोकस करो. और बिजनेसमैन को ये कहूँगा कि जब तक आप बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होता, लड़कियों की तरफ मत देखो और लड़कियों को लड़कों की तरफ मत देखो. वो सबसे बड़ी सेक्रीफाइस है. अगर आपकी पोजिशन है, पैसा है, लड़के लड़के आपके पीछे घूमेंगे. दिस इज समथिंग यूनिक यू हैव स्टार्टेड. हाँ जी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. गुड इवनिंग एवरीबडी. माय नेम इज मुकेश जग्गा एंड आई एम फ्रॉम द चैनल Venue.Events. Venue.Events एक ऐसा चैनल है जो कि माइस, अगर आपको किसी को अपना इवेंट करना है, चाहे कॉन्फ्रेंस हो या वेडिंग हो, तो आप उस वेबसाइट पे जाके इन 30 सेकेंड में आप ये देख सकते हैं कि क्या उस होटल में या रिजॉर्ट में क्या ये इवेंट पॉसिबल है कि नहीं है. बिकॉज हमने इतनी डिटेलिंग में उसको डाल रखा है, इंक्लूडिंग कितने डोर्स हैं, कितने एग्जिट हैं, किस तरह से बैठ सकते हैं. आज जो हमारे गेस्ट हैं वो डॉयन है ट्रैवल इंडस्ट्री के, डॉक्टर सुभाष गोयल, जिनकी कंपनी का नाम है स्टिक ट्रैवल ग्रुप, इंडियाज लार्जेस्ट B2B एविएशन एंड टूरिज्म मार्केटिंग कंपनी, जो कि रिप्रेजेंट करती है 14 इंटरनेशनल एयरलाइंस, जो कि एक बहुत बड़ी बात है. देन दे रिप्रेजेंट 4 ओशियन क्रूजेस कंपनीज इन द वर्ल्ड एंड 1 यूरोपियन रिवर, जो कि एक अपने में एक अलग क्लास है. और उनके 3 लार्जेस्ट रेंट ए कार कंपनी ग्रुप्स को भी वो रिप्रेजेंट करते हैं. 1973 में उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी, डॉक्टर सुभाष गोयल ने, जो कि फाउंडिंग चेयरमैन हैं ऑस्टिक ट्रेवल्स. एंड बहुत ही एक हम्बल बिगनिंग से उन्होंने अपने आप को शुरू किया, फ्रॉम ए सिंपल मेयर टेबल एंड चेयर. आई वुड लाइक टू इन्वाइट हिम टूडे, डॉक्टर सुभाष गोयल. वेलकम सर टू अवर चैनल Venue.Events. सर, इतनी हम्बल बिगनिंग और आज आप इतनी 14 इंटरनेशनल कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं. योर क्रूज कंपनीज 5, इंक्लूडिंग द रिवर 1, 3 रेंटल कंपनीज. कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि आपको ट्रैवल इंडस्ट्री में नहीं जानता हो. सर, आज आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, कितनी हम्बल से शुरू करके आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं. देखिए जगह साहब, पहले तो मैं आपको आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसा कोई चैनल है नहीं जो हर वेन्यू के बारे में बात करे. हाँ जी. और लोगों को जो इस इंडस्ट्री में हैं उनको जाना पड़ता है. हमने भी एक माइस डिवीजन अभी शुरू करा है. हाँ जी. और हमें हर होटल में जाके उनको इंस्पेक्ट करना पड़ता है और फिजिकली जाके देखना पड़ता है. हाँ जी. तो अगर आपके चैनल में सारे होटल्स कवर हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि इवेंट मैनेजर्स को ये बहुत अच्छी सुविधा होगी. और मैं सजेस्ट करूँगा कि बजाय फिजिकली जाने के, आप वर्चुअली हर होटल और हर वेन्यू को आपके चैनल में देख सकते हैं. हाँ जी. जहाँ तक मेरी जर्नी का सवाल है, वो एक इत्तेफाक हुआ था कि मैं प्रेसिडेंट होता था दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का, और मुझे इन्विटेशन आया था जापान जाने के लिए. तो उस टाइम मैं यूनिवर्सिटी से पैसे नहीं लेना चाहता था क्योंकि मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट था. तो मुझे किसी ने बताया 15 टिकटें करोगे तो 16वीं टिकट फ्री मिल जाएगी. तो मैंने यही करा और 1000 रुपये पर टिकट मैंने प्रॉफिट भी कमाया. तो मैंने डिसाइड करा, मैंने कहा यार ये सबसे बढ़िया धंधा है, इसमें हींग लगे ना फटकरी और रंग चोखा ही चोखा, क्योंकि सिर्फ मेहनत चाहिए और कॉन्टैक्ट चाहिए. और टेलीफोन के ऊपर ही हमने 15 बंदे इकट्ठे कर लिए. नेक्स्ट ईयर एक्सपो 70 था, 1970, ये 69 की बात है. तो मैंने एक्सपो 70 के लिए मैंने एक पूरा चार्टर प्लेन लेके गया.
तो मैंने इतने पैसे कमाए, मैंने कहा यार ये धंधा अच्छा है. तो मैं अपने एक और स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के लिए गया इसराइल, वहाँ से लंदन गया, वहाँ से वापस आया. वहाँ मैंने देखा कि स्टूडेंट के ऊपर फोकस करके ट्रैवल कंपनीज चलती हैं. तो मैंने यहाँ आके डॉक्टर करण सिंह, उन दिनों सिविल एविएशन टूरिज्म मिनिस्टर थे, उनसे रिक्वेस्ट करी कि गवर्नमेंट को ऐसी कंपनी शुरू करनी चाहिए. वो कहते भाई गवर्नमेंट नहीं करेगी, आप शुरू कर दो, मैं आके इनॉग्रेट कर दूंगा. तो दैट वॉज द बिगिनिंग. और पैसे थे नहीं, एक टेबल कुर्सी कहीं से लेके हमने एक टूटी हुई बिल्डिंग, थिएटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग होती थी इंडिया कॉफी हाउस के पीछे, वहाँ हमने शुरू करा. पर क्योंकि हम स्पेशलाइज कर रहे थे, तो एक तो जो भी आप बिजनेस करें यू नीड टू स्पेशलाइज राइट, ताकि लोग आपको आइडेंटिफाई करें. तो स्टूडेंट्स और सस्ती टिकटों के लिए हमारा आइडेंटिफिकेशन हुआ और धीरे धीरे हमारी सेल बढ़ती गई. तो फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपको टाइम्स के साथ चेंज करना चाहिए. तो हमने डाइवर्सिफाई करा, कंसोलिडेशन में आए, और फिर हमने देखा कि रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं कर रहा था, तो हमने एयरलाइंस की रिप्रेजेंटेशन शुरू करी. आज मेहनत से और ऑनेस्टी से आज हमारे पास वी आर इंडियाज नंबर वन. हमारे पास 14 इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, 5 क्रूज कंपनीज हैं, 3 रेंट कार कंपनीज हैं. और इसके लिए मैं सबको ये कहूँगा कि एक तो चैलेंजेस आएंगे, सिचुएशन चेंज होंगी. तो जब हमने रिप्रेजेंटेशन शुरू करी, हमने रिटेल का बिजनेस बिल्कुल बंद कर दिया. आईटा एक कंपनी थी, उसको भी छोड़ दिया. तो हमने फोकस करा एयरलाइन जीएसए रिप्रेजेंटेशन पे, और जो स्टूडेंट ट्रैवल था उसको एक अलग कंपनी बना के, स्टिक स्टूडेंट एंड यूथ कंपनी, उसको उसका कम्प्लीटली मैनेजमेंट भी अलग कर दिया, सब कुछ अलग कर दिया. तो एज स्टिक ट्रैवल ग्रुप हम 100% B2B हैं और किसी भी ट्रैवल एजेंट से कम्पीट नहीं करते, और उनको कॉन्फिडेंस है अगर वो हमारे साथ कर रहे हैं तो उनकी कमीशन प्रोटेक्ट होगी. तो सबसे पहली तो ये चीज़ है कि आपके कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस होना चाहिए. दूसरा, हम वो प्रोडक्ट्स लेके आए हैं जो इंडिया में थे नहीं. राइट. जैसे सबसे पहले हमने नेपाल की फ्लाइट शुरू करी, नेपाल वाया काठमांडू लोगों को श्रीलंका अपना बैंकॉक और भेजना शुरू करा. इसी तरीके से हमने श्रीलंका शुरू करी, RNSE वाया कोलंबो हमने सिंगापुर लोगों को भेजना शुरू करा. तो इस तरीके से यू हैव टू बी इनोवेटिव, यू हैव टू बी क्रिएटिव, एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम योर कॉम्पिटिशन. तो ये हम करते रहे, और जब हमने देखा कि टिकटिंग में बिजनेस मार्जिन कम होता जा रहा है, तो हमने क्रूजेज शुरू कर दिए. क्रूजेज में एजेंट को भी पूरा मार्जिन मिलता है, और एक बड़े नया फैशन है, और क्रूजेस एक नई कंपनी है. फिर हमने देखा कि कुछ कार्गो के कुछ चार्टर्स हमें शुरू करने हैं, एयर चार्टर्स हमने अलग कंपनी बना दी, और कोविड में उस कंपनी की वजह से हमने चार्टर्स वगैरह की वजह से वी वर एबल टू सर्वाइव. तो मेरी एडवाइस सबको यही है कि हिम्मत कभी ना हारे, हिम्मत मर्द मर्दे खुदा, और फेलियर से कभी ना डरें. फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, एंड यू हैव टू चेंज विद द चेंजिंग टाइम्स. ओनली दोज पीसेज हैव सर्वाइव्ड हु हैव अडैप्टेड देमसेल्फ टू चेंज. डायनोसरस सबसे पावरफुल मैमल होता था वर्ल्ड में, इट कुड नॉट अडैप्ट इटसेल्फ टू चेंज, इट गॉट एक्सटिंक्ट. राइट. तो अगर कॉन्स्टेंटली ये करते रहें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि किसी भी बिजनेस के अंदर आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी गुडविल तभी बनती है If you are able to deliver what you promise. और कई इंसिडेंसेस ऐसे हुए कि एयरलाइंस बैंकक्रप्ट हो गई, पर हमने किसी का रिफंड नहीं रोका. कोविड में भी हमें कई एयरलाइन से रिफंड नहीं मिले, पर हमने मार्केट में कोई बंदा ऐसा नहीं है जो कहेगी हमने एक नए पैसे का उसका रिफंड रखा हुआ. तो इस तरीके से आदमी की गुडविल बनती है, और पीपल हैव ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन योर ब्रांड एंड इन योर प्रोडक्ट. तो यही हम करते रहे, और दैट इज द सीक्रेट ऑफ आवर सक्सेस. सर, आप DUSU के प्रेसिडेंट भी रहे, फिर आपने हमारी ही ट्रेवल इंडस्ट्री में IATO के भी प्रेसिडेंट बने, और उसमें आपने अपने टेन्योर के अंदर में काफ़ी कुछ अचीव किया. व्हाट वाज योर वन और टू वेरी बिग सक्सेसेस इन योर टेन्योर?
देखिए, सबसे पहले तो जब मैं पहली बार आईटो का प्रेसिडेंट बना तो उस टाइम आईटो को कोई जानता नहीं था और सिर्फ 300 के करीब मेंबर थे, हमारे पास सफिशिएंट पैसा नहीं था। तो पहली चीज़ मैंने शुरू करी कि हमने एक रेगुलरली मीटिंग शुरू करी, मंथली लंचन मीटिंग्स। उससे एक इन्वॉल्वमेंट हुई और हर अच्छे स्पीकर को हम लेके आते थे, उससे हमारी मेंबरशिप बढ़नी शुरू हुई। और फिर एक हमें धमाका करना था, तो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, उनको मैं एज अ चीफ गेस्ट लेके आया। बड़ी मेहनत करी और बड़ी तिकड़म लगाई और फाइनली वो विज्ञान भवन में हमने इवेंट करा। उससे एकदम आईटो को बूस्ट मिला, बूस्ट मिला। और आज तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इनॉग्रेटर फंक्शन पे प्राइम मिनिस्टर नहीं आया। राइट, हम मिनिस्टर्स तो मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर तो हमारे हर फंक्शन में आते थे। तो उससे एकदम बूस्ट मिली। और उसके बाद ही जितने चैम्बर्स हैं उनको भी टूरिज्म का होश आया कि इतनी इम्पॉर्टेंट है कि प्राइम मिनिस्टर आए। तो मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट फर्स्ट टर्म में ये रही। और उसके बाद हमने गाइड्स के साथ झगड़े रहते थे, कोर्ट केसेस थे, वो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करा के एक आपस में गाइड्स का और टूर ऑपरेटर्स की कोऑर्डिनेशन शुरू करी। और तीसरा जो सबसे बड़े काम ये हुआ कि एक हमने धीरे धीरे जो इंडस्ट्री इश्यूज थे उनको टेकअप करना शुरू करा। और दो इश्यूज मैंने सबसे शुरू से शुरू करे, एक तो ओपन स्काइज और दूसरा वीज़ा ऑन अराइवल या ई वीज़ा। और पहले टर्म में मेरे से नहीं हुआ, फिर दोबारा टर्म मुझे री इलेक्ट करा गया और उस टर्म में मैंने काफ़ी कुछ अचीव करा। और इतने हमने पैसे बना लिए कि हम अपना ऑफिस खरीद सके, तो एक वो भी बड़ी अच्छी अचीवमेंट थी। फिर उस ऑफिस को मॉडर्न फर्निशिंग कराई। फिर उसके बाद बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं हमने, बट बिगेस्ट अचीवमेंट जो मैं समझता हूँ मेरी एज आईटो प्रेसिडेंट रही, वो ई वीज़ा कराने की। ई वीज़ा जब हम काफ़ी सालों से कर रहे थे, और जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट आई, अरुण जेटली मेरा दोस्त था, मेरा जूनियर था, और इलेक्शन में भी मैंने उसकी मदद करी थी। तो जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बना, उसका मुझे फ़ोन आया, जब वो कहते सुभाष मैं टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए क्या कर सकता हूँ, तो मैंने दो चीज़ें कर सकते हो, एक तो सर्विस टैक्स के अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के अगेंस्ट आप एग्जाम्प्ट कर दो। कहते वो तो मैं कर नहीं सकता। मैंने कहा दूसरा ई वीज़ा कर दो। कहता ई वीज़ा तो होम मिनिस्टर का काम है। मैंने कहा अगर फंड्स तो आपने ही देने हैं। तो उसका दो तीन दिन बाद फोन आ गया, मेरी प्राइम मिनिस्टर से और होम मिनिस्टर से बात हो गई है, मैं अपने बजट में ई वीज़ा अनाउंस कर रहा हूँ। वेरी गुड। तो जब ई वीज़ा अनाउंस हुआ तो होम मिनिस्टर ने भी और टूरिज्म मिनिस्टर ने भी कहा यह तुम्हारी वजह से हुआ है। तो मैंने ही अशोका होटल में फंक्शन करके होम मिनिस्टर के साथ और टूरिज्म मिनिस्टर के साथ मिलके मैंने ई वीज़ा अनाउंस करा। तो एक बहुत बड़ा ऑनर, बहुत बड़ा ऑनर। तो ये एक दो बड़ी अचीवमेंट्स है। ओपन स्काई में मैंने रॉयल्टीज़ ख़त्म कराई एयर इंडिया की और लिबरलाइजेशन ऑफ द स्काई करी। आज ओपन स्काई की वजह से इतनी सारी एयरलाइंस हो गई, पहले सिर्फ एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस को राइट्स देते थे। तो मैंने आर्टिकल्स भी लिखे, एयर इंडिया इज़ इम्पॉर्टेंट बट इंडिया इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एयर इंडिया। और इस वजह से उसकी काफ़ी चर्चा हुई डिबेट्स में, टेलीविजन चैनल्स पे, इस पे मैंने डिबेट करी। तो प्राइवेट एयरलाइन शुरू हुई। तो उसके शुरू होने में और डोमेस्टिक स्काईज को और इंटरनेशनल स्काई को, डोमेस्टिक स्काई ओपन करने के लिए और इंटरनेशनल स्काई लिबरलाइजेशन करने के लिए, मैं समझता हूँ मेरा बहुत बड़ा रोल था। तो ये मेरी अचीवमेंट्स थी। जहाँ तक जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी यूनियन का प्रेसिडेंट था तो उसमें भी मैंने बहुत अचीवमेंट्स करी हैं, पर दो तीन मेजर अचीवमेंट्स यही हैं कि हमने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन बिल्डिंग बनाई। हर प्रेसिडेंट पहले एश्योरेंस देता था कि मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, वो बिल्डिंग फंड मोती महल में और बार में ख़त्म हो जाता था। पर पहली बार मैंने फंड्स इकट्ठे करके जब डॉक्टर देशमुख के पास लेके गया तो कहता तो सुबह सुबह क्यों आ गया। मैंने कहा जी अगर मैं लेट होता तो आधे आधे डब्बे, हमने डब्बों में पैसे इकट्ठे करे थे, ये ख़त्म हो जाते, बट जाते। तो बड़ा खुश हुआ, कहता कि बिल्डिंग के ऊपर तेरा नाम लिखूंगा। तो जो स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग बनी थी उसके पत्थर पे मेरा नाम लिखा डॉक्टर सी डी देशमुख। तो एक वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। फिर हमने यूनिवर्सिटी सेंटर कॉल डे सेंटर खुलवाया। फिर हमने मदन लाल खुराना और ये
विजय मल्होत्रा चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर थे, उनको रिप्रेजेंटेशन देके छः कॉलेजेस खुलवाए, गार्गी कॉलेज, मैत्री कॉलेज, राजधानी कॉलेज, काफ़ी कॉलेजेस हमने खुलवाए, तो उससे एडमिशन्स की समस्या में हल मिला। और फ्री इंफॉर्मेशन सेंटर हमने एडमिशन्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए खोले, तो इन सारी चीज़ों से काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। और जो इंडस्ट्री इशूज़ थे, पहली बार ब्लैक डे पे स्ट्राइक कराई, पहली बार जो डिमॉन्स्ट्रेशन हुई ऑन लिबरलाइजेशन और फ्रीडम ऑफ बांग्लादेश, वो हमने ऑर्गेनाइज करी थी सब्रो उसके बाहर, उसमें अखबार में मेरी दो तीन जगह फ़ोटोएँ भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स थी। और बहुत सारे इशू लेके हम प्राइम मिनिस्टर के पास भी गए, और उन दिनों स्टूडेंट्स यूनियन की बहुत बड़ी पहुँच थी, 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे दिल्ली के, पर स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट एक ही इलेक्ट होता था, तो हमारी से थी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में भी। और बहुत सारे उसमें ये हुआ कि एक और बड़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि प्री मेडिकल स्टूडेंट्स स्ट्राइक पे बैठे हुए थे होम मिनिस्टर के अंडर, तो मैंने उनको सपोर्ट करा और उनके सपोर्ट में मैं जेल भी गया। और वहाँ पर जब हमें पता लगा यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक हो गई हमारे फेवर में, तो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को एडमिशन इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि वो कैपिटेशन फीस नहीं दे सकते थे। तो जेल में जब जज आया हमें रिलीज़ करने के लिए, बिकॉज हम माफ़ी मांग के नहीं रिलीज़ होना चाहते थे, अनकंडीशनल रिलीज़ होना चाहते थे, तो उसने कहा कि भाई हम आपको रिलीज़ करना चाहते हैं। मैंने कहा पहले बताओ हमारा क्राइम क्या है। तो क्राइम था वॉर अगेंस्ट द स्टेट, असॉल्टिंग पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी, ये सारे चार्जेस लगे हुए। तो मैंने ये कहा कि माई लॉर्ड, दी ओनली क्राइम दे हैव कमिटेड इज देयर फादर इज नॉट अ स्मगलर और ब्लैक मार्केटियर, सेकेंड क्राइम दे हैव कमिटेड इज दे इंस्टेड ऑफ जॉइनिंग IEFS और IES, दे चोज द नोबल प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन। एंड मैंने कहा विद दिस IQ दे कुड हैव बीन रूलिंग द कंट्री। तो मैंने कहा अगर इनकी दो साल इन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़राब कराए प्री मेडिकल में, तो इनको ऑटोमेटिकली मेडिकल में एडमिशन मिलनी चाहिए। अगर इनको फिर भी कैपिटेशन फीस देनी है, तो आइदर यू गेट प्री मेडिकल अबॉलिश्ड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड यू शुड गिव देम एडमिशंस। तो उस जज के ऑर्डर जो हमारे जेल में हमारी वो हुई थी तिहाड़ जेल में, तो उसके ऑर्डर करा कि यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज शुड बी ओपन्ड, एंड वो 115 या 120 बच्चे थे, उन सबको एडमिशन दी गई उसमें। राइट, दे ऑल बिकेम डॉक्टर्स। जो यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज है वो जूलॉजी डिपार्टमेंट होता था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसको कन्वर्ट करा गया। ओके, सो आई स्टार्टेड दैट कॉलेज और 1 से 10 बच्चों को मैंने डॉक्टर बनाया। तो दैट आई थिंक वाज आल्सो वेरी बिग कंट्रीब्यूशन, वेरी नोबल थिंग व्हाट यू डिड। आईटो फॉर द ऑडियंस मींस इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, जो कि एक ऐसी बॉडी है, जो कि टूर ऑपरेटर्स इंडियन है बट दे आर सर्विंग जनरली द फॉरन क्लाइंट्स हु आर कमिंग टू इंडिया। इसी तरह से और भी एसोसिएशंस है कंट्री में, बट फॉर क्लैरिटी आई वांटेड टू गिव द डिस्क्रिप्शन। 80% ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ऑफ द कंट्री फ्रॉम टूरिज्म इज डन बाय द आईटो मेंबर। यस सर। और जब मैंने ज्वाइन करा तो 300 मेंबर थे, बाय द टाइम आई लेफ्ट वी हैड 1200 मेंबर्स, टुडे देयर आर अबाउट 2000 मेंबर्स। तो मेंबरशिप इसीलिए इंक्रीज करी, इन लोगों को उसका बेनिफिट पता लगा, हमने बतेरे इंटरनेशनल रोड शोज में गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेट करा और बहुत सारे फैम ट्रिप्स भी इंडिया लेके आए, जो कि आईटो मेंबर्स में ट्रांसपेरेंटली डिस्ट्रीब्यूट होते थे। या फॉर द नॉलेज ऑफ द ऑडियंस, डॉक्टर सुभाष गोयल हैज आल्सो रिटन अ बुक पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड ऑल्सो ऑन हिज 50 ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्टिक ट्रेवल्स, this is the book that they have come up with and it's a nice book if you see, they have a lot of information on it and one has to really go through it to really understand his journey more. Subhash ji, COVID bhi aaya, sabko badi dikkat hui, so hi kyunki aapki jab company badi hai to samasyaen badi hain, उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि लोग आगे इंस्पायर हों और समझें कि कभी ऐसा वक्त आ जाए तो आपकी तरफ देखते हुए या आपकी बातों को याद करते हुए वो कैसे उस वक्त को गुजारें। देखिए ऐसा है, लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस,
ये पहली बार प्रॉब्लम नहीं हुई जब द सो कॉल्ड प्लेग आया था तब भी बड़ी समस्या हुई थी. फिर 9/11 के बाद भी सारी एयरलाइंस बंद हो गई थी कुछ दिनों के लिए, और बहुत फिर जो बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और वॉर्स होती थी तो सारा बंद हो जाता. तो हमने ऑलवेज कॉन्टीजेंसी प्लान बना के रखा हुआ था और हमेशा वी डिड नॉट कीप ऑल आर एग्स इन वन बास्केट. तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स हेयर देयर करके आदमी को सर्वाइव करना पड़ता है, क्योंकि अगर हर चीज़ पीसफुल हो और लाइफ में चैलेंज ना हो तो दुनिया में एक ही जगह है जहाँ पर कोई चैलेंज नहीं है और सब पीसफुल है, वो है कब्रिस्तान. राइट. तो जब आप जिंदा हो तो आपको चैलेंजेस भी आएंगे और समस्याएं भी आएंगी. जिंदगी का मज़ा वही है जब आप उन चैलेंजेस को और समस्याओं को फेस करें. आप देखिए एडवेंचर टूरिज्म में लोग अपनी जान का रिस्क लगा लेते हैं पहाड़ पे चढ़ने के लिए या गोताखोरी करने के लिए, और आपने कई नेशनल चैनल ज्योग्राफी चैनल्स पे देखा होगा कि किस तरीके से सांपों के साथ और इसके साथ. हमने तो एक कोविड के साथ ही खेला है ना, अगर उस चैलेंज को आप एज ए खेल ले लो तो उसमें सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट थी कि आपकी टीम को मोटिवेट करके रखना है. तो मेरी डॉटर ईशा जो CEO है वो हर दूसरे तीसरे दिन सारे स्टाफ के साथ जूम कॉल करती थी. जो भी स्टाफ की समस्याएं थी, हमने इंश्योरेंस ली हुई थी पूरी फैमिलीज की स्टाफ की, तो वो उस टाइम काम आई. जिसको भी कोई प्रॉब्लम होती थी हम उसको टेक केयर करते थे, और काफ़ी स्टाफ ने वॉलंटरली सबैटिकल लिया. जिसका हस्बैंड काम कर रहा था उसने सैलरीज नहीं विड्रॉ करी, जिसकी वाइफ. तो हमने सबकी जूम पे मीटिंग करके उनसे कहा भी ये समस्या है, आप इसका सोल्यूशन ढूंढो. हमने कुछ उनके ऊपर इम्पोज नहीं करा. तो वॉलंटरी लोगों ने, कुछ लोगों को कहीं और जॉब मिल गई उन्होंने वो करनी, कुछ उन्होंने लाइन चेंज कर ली, कुछ अपने होम टाउन चले गए. तो फिर जो लैंडलॉर्ड्स थे, क्योंकि 20 ऑफिसेज के रेंट्स थे और जो हमारा गुड़गांव का ऑफिस है उसके तो रेंट 18-20 लाख के करीब था महीने का. तो उन सबसे नेगोशिएट करके किसी ने 10%, किसी ने 20%, किसी ने 50%, और कुछ लैंडलॉर्ड्स ऐसे थे उनका जब तक कोविड है एम्बुलेंटी लेंगे. तो इस तरीके से गुजारा हो गया. और थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, कुछ बैंकों से हमने मदद ली, ओवरड्राफ्ट लिए, कुछ हमने डाइवर्सीफाई करा, कार्गो के चार्टर्स ऑपरेट करें, कुछ दूसरे चार्टर्स ऑपरेट करें ताकि हमारा कैश फ्लो बना रहे. मेडिकल चार्टर्स, यू मीन मेडिकल चार्टर्स, मेडिकल इवैकुएशन चार्टर्स. तो आदमी को ना चैलेंजेस जो होते हैं उनमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि हर चैलेंज में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है. तो हम अपॉर्चुनिटी ढूंढी और उस अपॉर्चुनिटी को हमने वो करा. और अगर कोविड नहीं निकलता तो हम कुछ अपना फार्मासिटी की तरफ जाने की सोच रहे थे, हम कुछ मास्क बनाने की तरफ जाने की सोच रहे. सर हमने बनाए, हमने मास्क सप्लाई. व्हाट आई एम सेइंग इज कि कुछ ना कुछ आदमी को करना, करते रहना चाहिए, वही नाम जिंदगी है. प्लेग की आपने बात करी सर, मैं अपना एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ. 1994 था मेरे ख्याल से जब प्लेग आया सूरत में. 1991 में मैंने ट्रैवल कंपनी शुरू करी थी, तो आई वॉज नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ दी होल सिनेरियो. हमारा एक हॉलीवुड का ग्रुप आना चाह रहा था इंडिया में, एंड दे वॉन्टेड टू डू इट टीवी एड ओवर देयर इन आगरा एंड फतेहपुर सीकरी. तो मैंने एक बड़े अच्छे होटल से, फाइव स्टार वाले से पूछा कि रेट क्या है, तो उसने कहा जी $200. क्लाइंट को बोला, क्लाइंट ने कहा नहीं यार ज़्यादा है, तो आप कहीं 4-star में कोशिश करो कर. तो मैं नेगोशिएट कर रहा था तो ऑल ऑफ ए सडन न्यूज़ आ गई सूरत के प्लेग की, एंड सारे होटल्स खाली. तो जेंटलमैन जो थे उस होटल के, उनका मेरे पास फ़ोन आता है कि सर आप $50 में कमरा ले लीजिए, लेकिन आप ये ग्रुप कहीं और नहीं देंगे, क्योंकि बिजनेस डायनामिक है. मैंने क्लाइंट को बताया, उसने इमीडिएटली कहा जी प्लेग तो सूरत में है ना, मैं आ जाऊँगा. एंड वी ऑपरेटेड दैट. अच्छा, हॉलीवुड ग्रुप. वाओ सर, उस ग्रुप की ब्यूटी हमें ये थी वहाँ पर, क्योंकि फॉरेनर्स थे, UK एंड अमेरिका बेस्ड थे लोग, तो उनको आदत है मिनरल वाटर पीने की. तो हमें पूरे ट्रक्स के ट्रक फतेहपुर सीकरी के अंदर में, वहाँ तो मिलता नहीं है, 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम आगरा, तो हमें वो ट्रक्स रखने, मतलब मिनरल वाटर रखना पड़ता था.
शाम तक वो पूरा ट्रक मिनरल वाटर का खाली हो जाता क्योंकि सबने दांत के मंजन भी उसी से करने. बट यस दैट वॉज ए चैलेंज विच केम अवर. बट ऑलमाइटी ने ही उसका रास्ता हमारे लिए निकाला और हम उसके बाद में सर हमने वो 2025 इस तरह की उस कंपनीज के साथ और रेफरेंसेस से काम किया. सर आपकी जर्नी वी ऑल नो नाउ मोर देन 50 ईयर्स. अपकमिंग स्टूडेंट्स, क्योंकि ट्रैवल जो एक ऐसा बिजनेस है इट इज़ ऑल पैशन ड्रिवन. अगर यहाँ पर बैच ऑफ ऑनर पैशन का नहीं है और सिर्फ पैसा कमाने का है फिर ये ट्रेड नहीं है. देन द ट्रेड इज समथिंग एल्स. बट इस ट्रेड की ब्यूटी ये है कि आपको घूमने को और जो जगह देखने को मिलती हैं या खाने को मिलता है इज बिकॉज यू आर एबल टू गिव बिजनेस. वट वुड यू लाइक टू से टू द अपकमिंग स्टूडेंट्स हु वॉन्ट टू नाउ एंटर इन टू द फील्ड? देखिए इससे बढ़िया कोई बिजनेस है नहीं. हाँ जी. नंबर वन, क्योंकि कोई भी आप और बिजनेस करेंगे आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए. हाँ जी. इसमें सिर्फ दो ही चीज़ों की इन्वेस्टमेंट है. एक तो आपकी नॉलेज. हाँ जी. और दूसरा आपका हार्डवर्क. देर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्डवर्क. हाँ जी. ऑल दोज मैन हु बिकेम ग्रेट डिड सो नॉट बाय अ सडन फ्लाइट. दे व्हेन देयर कॉमरेड स्लेप्ट टॉल्ड अपवर्ड्स इन द नाइट. तो इस बिजनेस में आप अपनी गुडविल और अपनी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी अगर एक बार इस्टेब्लिश कर दी तो आपको बिजनेस के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, बिजनेस आपके पीछे भाग जाएगी. और जो आप कमिट करो उसको डिलीवर करो, चाहे वो अपने प्रिंसिपल्स हैं. अब एयरलाइन को अगर हम कहते हैं हम फ्लाइट भर के भेजेंगे तो हम फ्लाइट भर के भेजते हैं. तो इसलिए दूसरी एयरलाइन को भी वो रेफरेंस करते हैं कि यार ये कंपनी जो है दे डिलीवर. तो ऑटोमेटिकली दूसरी एयरलाइन वाले भी हमारे दरवाजे खड़काते हैं. अब मैं नहीं समझता कोई और एयरलाइन और कंपनी ऐसी है कि अब जैसे हमारे पास इथोपियन एयरलाइन है तो हमारे पास अफ्रीका की एक दो एयरलाइंस ने हमें जीएसए ऑफर करा पर हम ले नहीं सकते थे क्योंकि कंपटीशन है. राइट. इसी तरीके से हमारे पास यूनाइटेड एयरलाइंस है. तो अमेरिकन एयरलाइंस या कोई और एयरलाइन हमारे पास अमरीका की आएगी हम नहीं ले सकते. तो यू हैव टू बी सिंसियर विद योर एयरलाइंस एंड द एयरलाइंस विल बी सिंसियर विद यू. तो एक ये हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है तो यू हैव टू डिलीवर और इट इज़ हार्ड वर्क. तो पर सबसे बड़ा चार्म ये है कि यू मे बी द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड बट इफ यू हैव नॉट सीन द प्लैनेट ऑन विच यू आर बॉर्न यू आर अ फ्रॉग इन द वेल. तो वन ऑफ द रीजन्स आई जॉइन दिस बिजनेस आफ्टर माई फ्रीलांस ट्रिप टू जापान is that I have been able to see the world. Right. Because of this business. Yeah. Ab airlines ki meetings koi America mein ho rahi hai, koi London mein ho rahi hai, koi kahin ho rahi hai, kahin ho rahi hai. To jab bhi aap conferences meetings ke liye jaate hai, ek do din apne liye faltu rakho aur sightseeing kar lo. Right. Kyunki specially sightseeing karne ke liye to time nahi hai aur fir it is too costly. Yeah. Right. To ye most cost effective method hai duniya ghoomne ka. Anni. That's right. Sir, you enjoy your life and also earn money. Yeah, I agree with you, sir. कि मेरा भी जैसे in one of my earlier podcasts I said, ईश्वर एक बार हवाई जहाज में बिठा दे, एक बार ही फाइव स्टार में खाना खिला दे, इससे बड़ी ड्रीम ही नहीं थी. और अब वक्त ऐसा आ गया हम कहते हैं अब कहीं नहीं जाना. अब घर की रोटी, घर की रोटी, घर की दाल रोटी जो है वो सबसे अच्छी लगती है. और इतने मुझे अभी आपके इसने भी मतलब एक दो कॉन्फ्रेंसेस के लिए इनविटेशन आए, वो टिकटें भी दे रहे हैं, हॉस्पिटल भी दे रहे हैं. पर हम यही कहते हैं जो मजा छज्जू के छुवारे वो ना मुकारे. बिल्कुल सर, इसमें कोई डाउट नहीं है. आप सर रिचर्ड ब्रैनसन से भी मिले हैं, आई एम श्योर उनको मिलने के बाद आपके अपने एक्सपीरियंसेस रहे होंगे. एनी थिंग यू वुड लाइक टू शेयर टू द ऑडियंस? देखिए रिचर्ड ब्रैनसन बहुत ज़बरदस्त शोमैन है. एंड एडमायर हिज मार्केटिंग एंड शोमैनशिप. हमें बड़ा कुछ सीखने को मिला. हमने उसकी पूरी जो कैंपेन थी इंडिया की वो हमने ऑर्गेनाइज करी. उसको हाथी पे बिठाया, उसको लाल एम्बेसडर में घुमाया, उसको थ्री व्हीलर स्कूटर पे भी घुमाया और उसको प्रेस कवरेज करवाई जिसमें वर्ल्ड के हर न्यूज़पेपर में न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके ऑस्ट्रेलिया पोस्ट और लंदन गजट सबके फ्रंट पेज में उसको डाला. तो ये एक हमारी
प्रेस ऑर्गेनाइज करने की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. उसका पूरा इनॉग्रल फ्लाइट हमने लॉन्च करी. ये दुर्भाग्य की बात है कि जब उनको सारे राइट्स वगैरह मिल गए तो उन्होंने फिर सब कुछ लाइक टिपिकल ब्रिटिशर्स अचीव करके खुद करना शुरू कर दिया. बट हमें उसमें कोई रिग्रेट है नहीं, क्योंकि हमें काफी कुछ सीखने को मिला. राइट. तो ही इज हिमसेल्फ अ ग्रेट पर्सनैलिटी और उन्होंने मेरी किताब पॉवर्टी इरेडिकेशन का फॉरवर्ड भी लिखा और हमने उनसे काफ़ी कुछ सीखा. मुझे बड़ी फॉर्चुनेट हूँ, जब मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था हमने नेशनल डिफेंस फंड के लिए 1,00,000 रुपये इकट्ठा करके मिसेस गांधी को दिया. और जब मुझे इसराइल जाना था तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे नहीं इंडिया के इसराइल के साथ, और हमें ना एक्सटर्नल अफेयर्स ना कोई भी हमें अलाउ नहीं कर रहा था. तो उन दिनों सिक्योरिटी इतनी नहीं थी. मैंने पार्लियामेंट में मिसेस गांधी को पकड़ा, वो मुझे पहचानती थी. राइट. क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था. तो उन्होंने स्पेशल ऑर्डर करके मुझे एक स्पेशल पासपोर्ट बनवा के दिया जो कि सिर्फ इसराइल के लिए वैलिड था. राइट. तो आई बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल ऑन एन ऑफिशियल पासपोर्ट टू इसराइल. ओके. डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी मेरा इनकाउंटर हुआ, उनको भी मैं मिला और उनके लिए एज आईटो प्रेसिडेंट हमने फंड्स इकट्ठे करे थे जो मैंने अपनी टीम के साथ जाके उनको प्रेजेंट करे. उसके बाद भी उन्होंने मुझे एक बार बुलाया चाय पे. वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी नाइस, विजनरी, वेरी गुड इकोनॉमिस्ट. तो उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा. और सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा जब आया जब मैं नरेंद्र भाई मोदी को मिला जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के. और उस टाइम जो फर्स्ट वाइब्रेंट गुजरात था उसमें जो टूरिज्म सेशन का मैं स्पीकर था एंड ही वॉज द चीफ गेस्ट, तो वहाँ पे मुझे इनकाउंटर हुआ. वहाँ उन्होंने मुझे एक मोमेंटो भी दिया. और उसके बाद मैंने अपनी किताब उनको प्रेजेंट करी. तो उस टाइम भी उनके साथ काफ़ी देर मेरा वन टू वन इंटरेक्शन हुआ और उस पर सारा टूरिज़्म के बारे में मैंने उनसे डिस्कस करा. और मुझे खुशी है कि जो लाल किले पे उन्होंने 5 T's के बारे में बात करी अपनी फर्स्ट स्पीच पे, वो तीन T's पेज 20 मेरी किताब में से हैं. राइट. ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स अ कंट्री हैज़ हैड. और मतलब उनमें सीखने की जैसे एक स्पंज नॉलेज को अब्जॉर्ब करता है, वो करते थे और इमीडिएट डिसीजन लेते थे. वाइब्रेंट समिट में मैंने देखा कि बवाद के जो इन्वेस्टर्स आते थे उनकी सारी मिनिस्ट्री कैबिनेट बैठती थी और ऑन द स्पॉट वो डिसीजन लेके उनको कर देते थे. तो इतना विजनरी, इतना फास्ट चीफ मिनिस्टर था. मैंने उस टाइम भी भगवान से दुआ करी कि ये प्राइम मिनिस्टर हो जाए तो हमारी कंट्री का सुधार हो जाए, और वो ही हो रहा है. सो वाइब्रेंट गुजरात वॉज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स टू रियली शोकेस टूरिज्म एंड इट अल्टीमेटली हेल्प्ड एवरीबॉडी, चाहे वो डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर है या इंटरनेशनल है. सुभाष जी, वन ऑफ द थिंग्स विच आई वुड लाइक टू आस्क यू इन द एंड, जो अब अपकमिंग ब्रीड है जो कि इंडस्ट्री में आ रही है, क्या उनको फोकस मेनली टिकटिंग पर करना चाहिए क्योंकि दैट इज़ गॉन मेनली ऑनलाइन, या किसी जगह पे स्पेशलाइज होके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचें क्योंकि नॉलेज बेस्ड? देखो, सबसे पहले उनको ज्योग्राफी इंडिया की और वर्ल्ड की ज्योग्राफी मस्ट है. बिल्कुल मस्ट, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चे, हम इतने इंटरव्यू करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करा हुआ है टूरिज्म में बट ज्योग्राफी में जी. क्योंकि आपका प्रोडक्ट क्या है? आपका प्रोडक्ट इंडियन स्टेट्स हैं, आपका प्रोडक्ट दुनिया है. अगर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता तो आप बेचेंगे क्या? तो सेल्समैनशिप का फर्स्ट प्रिंसिपल है थरो नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट. तो हमारा प्रोडक्ट इस टाइम इंडिया है और वर्ल्ड है. इसको हम कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू बेचें, इसको हम कैटलॉग के थ्रू बेचें, इसको हम सेल्समैनशिप करें या इसको वेबसाइट पे बेचें, बेचने हमने डेस्टिनेशंस हैं, बेचने हमने प्रोडक्ट्स हैं. अगर किसी आदमी ने दिल्ली से अमेरिका जाना है तो रास्ते में वो वाया अफ्रीका भी जा सकता है, वाया लंदन भी जा सकता है, वाया पेरिस भी, वाया फ्रैंकफर्ट भी.
पर अगर आप उसको वाया ऑस्ट्रेलिया भेजने की कोशिश करोगे तो वो आपके पास देन यू हैव गॉन रॉन्ग. तो फर्स्ट प्रिंसिपल इस बिजनेस में जो भी आना चाहता है वो ज्योग्राफी को रट ले, आंखें बंद करे तो उसको वर्ल्ड का नक्शा नजर आए और इंडिया की हर स्टेट नजर आए, उसका कैपिटल क्या है, उसका क्या है और उसके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या हैं प्रोडक्ट के. कि अगर आपने बीचेस जानी है तो वो केरला और वहाँ है राजस्थान में बीच नहीं मिलता. तो ये हर डेस्टिनेशन के बारे में नॉलेज करे, ये तो फर्स्ट है. सेकंड इज ही शुड नो द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग. तो अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है आपका सेल्स ऑटोमेटिकली है. मार्केटिंग में क्या है कि आपको प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, आप डिजिटल मार्केटिंग से भी प्रमोट कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग से भी प्रमोट कर सकते हो और एडवर्टाइजिंग और होर्डिंग से भी प्रमोट कर सकते हो. तो अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है आपकी सेलिंग ऑटोमेटिक है. तो सेल्स के लिए आपको क्या चाहिए कि थरो नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, यू मस्ट नो कि आपके कॉम्पिटिटर क्या कौन है एंड उसके वीक पॉइंट क्या, आपके प्लस पॉइंट क्या है एंड हाउ यू कैन. कभी भी किसी को ज़बरदस्ती बेचने की कोशिश मत करो. राइट आपको हमेशा एक अपने प्रोडक्ट के प्लस पॉइंट्स ऐसे प्रेजेंट करने हैं कि ही और शी फील्स अ डिज़ायर टू हैव पोजेस योर प्रोडक्ट. उसको ये बताना है कि इस प्रोडक्ट लेने से आपको ये बेनिफिट्स है. आप क्या करना चाहते हो वो नहीं इंटरेस्टेड, उसको क्या बेनिफिट होगा मोस्ट में इंटरेस्टेड है. तो ऑलवेज पुट योर सेल्फ इन द कस्टमर शूज. तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप टिकटिंग रूटिंग कंप्यूटर से करें या मैनुअल करें, अगर आपके दिमाग में रूट है ज्योग्राफी तो आप ज्योग्राफी है तो आप कर सकते हैं. तो चाहे आप डोमेस्टिक टूरिज्म में हैं, चाहे एडवेंचर टूरिज्म में हैं, चाहे रिलीजियस टूरिज्म में हैं, आपको होमवर्क करना पड़ेगा. अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं करोगे, आप अगर रिलीजियस टूरिज्म कर रहे हो तो आपको उस रिलीजन के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए. तो तभी आप उस प्रोडक्ट को बेच सकते हो. और स्कोप इतना है, अब देखिए अयोध्या कितने NRIs आएंगे, करोड़ों रुपए का बिजनेस होगा. राइट तो पर आपको रामायण के बारे में और रामायण सर्किट के बारे में तो वो तो आपको खुद ही पता करना पड़ेगा. बिल्कुल राइट. आपको कोई घोल के लिए भी ना सकता नहीं प्लस. तो आपको देखना है कि सीता माता कहाँ पैदा हुई थी, जनकपुर कहाँ है, अयोध्या कहाँ है और कहाँ कहाँ वो गए और पूरा श्रीलंका तक का रूट आपके दिमाग में होना चाहिए. तभी आप रामायण का टूर एक किसी फॉरेनर को या नॉन रेजिडेंट इंडियन को बेच सकोगे. बिल्कुल इसी तरीके से आप बुद्धा के बारे में अगर बुद्धिस्ट सर्किट बेचना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बुद्धा लुम्बिनी में पैदा हुआ, उसको सारनाथ में ये मिला, वो कपिलवस्तु गया, जो जो उसकी लाइफ की जर्नी है उनके बारे में पता होना चाहिए. और इसी तरीके से इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं, म्यूजिकल जो पिलर्स हैं वो कहाँ हैं वर्ल्ड में. राइट अजंता एलोरा वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कैसे है. राइट इसी तरीके से 75% ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स इंडिया, 7,500 किलोमीटर्स ऑफ कोस्ट लाइन है. हमारे आइलैंड्स क्या करते हैं, हमारे वाइल्ड लाइफ क्या है, हमारे सारा कुछ आपको पता होना चाहिए. जितना आप होमवर्क करोगे उतना आप बेच सकोगे. सर आई टोटली एग्री विद यू कि अगर आपको अपना प्रोडक्ट पता है तो आपसे कोई बिजनेस लेके नहीं जा सकता. आपको क्लाइंट आपके मतलब का पैसा भी देगा और वो और फर्दर लोगों को रिकमेंड भी करेगा. रिकमेंड भी करेगा. यस आई टोटली एग्री सर. और इस बिजनेस से बढ़िया बिजनेस है नहीं अगर आपको इसको जैसे आपने कहा था पैशन के साथ, पैशन और पूरे शिद्दत. शाहरुख खान कहता है ना किसी भी चीज को पाने की शिद्दत है तो पूरी कायनात लग जाएगी आपको. तो इसलिए आपको कोई लड़की पसंद है तो उस पर फोकस करो, सारी लड़कियों के पर मत फोकस करो. और अगर आपको कोई लड़का पसंद है तो उस पर फोकस करो. अर्जुन से पूछा गया कि भाई आपको ये मछली घूमती हुई नजर आ रही है, कहता नहीं. कहता आपको क्या नजर आ रहा है, कहता सिर्फ मछली की आंख नजर आ रही है. तो इसलिए भैया फोकस करो, चाहे बिजनेस हो, चाहे मोहब्बत हो, चाहे इश्क हो, अगर आप फोकस करोगे तो आप जीत जाओगे. अगर अपने ध्यान को इधर उधर भटकाओगे तो कुछ नहीं होगा. और बिजनेसमैन को ये कहूंगा कि जब तक आप बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होता लड़कियों की तरफ मत देखो और लड़कियों को लड़कों की तरफ मत देखो. वो सबसे बड़ी सैक्रिफाइस है.
अगर आपकी पोजीशन है, पैसा है, लड़के लड़के आपके पीछे घूमेंगे। सुभाष जी, थैंक यू वेरी मच। पूरी इंडस्ट्री कितनों से भी मैं मिलता हूँ, क्योंकि मुझे भी ऑलमोस्ट 35 ईयर्स हो गए, आपकी पीठ पीछे तारीफ है, ये बहुत बड़ी बात है। सब आपकी दुआ करते हैं, कामना करते हैं कि आपकी आयु और लंबी हो और आपकी कंपनी बहुत ग्रो करे। मैं भी अपनी तरफ से यही तमन्ना करता हूँ और प्रे करता हूँ ऑलमाइटी को कि आप बहुत अच्छे सेहत में रहें, जैसे आज भी आप ऐसे ही रहे हैं, और इंडस्ट्री को और दें। सर, हम जिंदा ही आप लोगों की दुआ पे हैं। सर ये इंडस्ट्री शायद जिंदा इसलिए है मेरी उसकी मेहरबानी और आप लोगों की दुआ बस। सर एक और चीज़ जो मैं सोचता हूँ कि हम क्यों जिंदा हैं, और ज़्यादातर ऑपरेटर्स खुश रहते हैं, जो ये दुनिया में देखने को मिलता है और रंग बिरंगे लोग मिलते हैं हमें एवरी डे, अलग हर ग्रुप FATO हो या ग्रुप हो, और हर कंट्री से भी आता है, विद इन कंट्री से भी आता है, वो हमें भी जिंदा रखते हैं और हम इस चक्कर में शायद जिंदा भी रहते हैं खुश होकर। देखो, मैन इज़ ए सोशल एनिमल। हाँ जी, और इस इंडस्ट्री में एंड ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट मीन्स ऑफ एजुकेशन। हाँ जी, तो हर कंट्री में और हर इंसान को जब मिलते हैं कुछ ना कुछ सीखने को मिल। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द चैनल Venue.Events। देखिए, दिस इज समथिंग यूनिक यू हैव स्टार्टेड। हाँ जी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। एंड आपको कोशिश करनी चाहिए कि पहले दिल्ली से शुरू करो, कि दिल्ली के हर होटल में, हर वेन्यू को आप कवर कर लो। हाँ जी, राइट, उसमें जो मेरी मदद चाहिए इट बी देयर। और उसके बाद धीरे धीरे जयपुर, राजस्थान, हाँ जी, और ये जहाँ जहाँ भी वेडिंग्स होती हैं, हाँ जी, आप उनके वेन्यूज एक बार कवर कर लोगे तो आपके पास एक इंसाइक्लोपीडिया टाइप हो जाएगा, और आपकी वेबसाइट भी, और हर आदमी कोई भी इवेंट करने से पहले Venue.Events पे जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू वेरी मच सर। चीयर्स। चीयर्स। थैंक यू सर।